सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट आई यूज में हमारे पीछे की तरफ रखे हुए जो बर्नर है उसके बारे में। सबसे पहले ये जो बर्नर आया है ये हम हमारी मम्मी के लिए लेकर आए हैं। बर्नर हमने क्यों चुना, क्या सारी स्पेशलिटी थी, क्या सारी फीचर्स देखकर हमने बर्नर लेकर आए, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा व्लॉग है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पर अगर आपको प्रोडक्ट आई यूज जो हमारी अलग से एक सीरीज है वो अच्छी लगे तो आप प्लीज हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा कि अगला प्रोडक्ट आप कौन सा है जिसके बारे में जानना चाहते हैं। सेम टाइम अगर आप लोगों के पास में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका आप चाहते हैं कि अच्छा ऑथेंटिक डिटेल्ड रिव्यू हो तो आप हमें वो प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेल आईडी है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस गैस स्टोव के बारे में। सो दोस्तों, पेश करते हैं प्रेस्टीज रॉयल का ये वाला गैस स्टोव। अब सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि बेसिकली और क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले एक तो आता है किचन हुड, मतलब जो चिमनी बोलते हैं उसको, मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव, इसके साथ में इंडक्शन कुकर, कुकवेयर, और साथ के अंदर मेरे पास में प्रेस्टीज का ऑलरेडी वैक्यूम क्लीनर है जिसकी फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सेम टाइम पर एक ब्रांड ऐसी है जिसके बारे में पॉइंटेड आउट करना चाहूँगा, जिसकी वजह से जोजो वीली चैनल के ऊपर प्रोडक्ट आई यूज स्टार्ट हुआ। मैंने फेबर का एक प्रोडक्ट लिया था जो कि मुझे इतना ज़्यादा परेशान करा कि आई रियली फील कि मुझे ऐसा लगा कि उसके बाद में मुझे आप लोगों के साथ में नॉलेज शेयर करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा, और अच्छा है तो क्या सारे रीज़न की वजह से है। और इसीलिए हमने हमारे चैनल के ऊपर जो ऑटोमोटिव चैनल उस पर ऐसे प्रोडक्ट लाना शुरू करा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक सारी चीज़ों से। कुछ इस प्रकार का, मैं थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का ये जो गैस स्टोव है ये है। पुराना वाला जो था उसे टाइम हो गया था, वो ख़राब हो रहा था, इसलिए हमें नया तो लाना ही लाना था। 2 ईयर की आपको इसके ऊपर वारंटी मिलती है। अगर इधर बेसिक डिटेल की हम बात करें तो जनवरी 2024 का ये मॉडल है। 10,645 रुपीज़ इसकी MRP है। अप्रॉक्सीमेटली मुझको 9,000 कुछ के अंदर ये मिला है। सेम टाइम पर यहाँ पर इसकी बेसिक डिटेल लिखी हुई है, प्रेस्टीज रॉयल LP गैस टेबल। अब इसका जो मॉडल है ये है GT03LSS। SS मतलब स्टील है, आई गेस इसकी वजह से लिखा हुआ है। और इसमें स्टेनलेस स्टील बॉडी है और उसके साथ में ग्लास टॉप है और साथ के अंदर 3 ब्रास के बर्नर लगे हुए हैं। ये एक यूनिट है और बेसिक जो भी डिटेल हो सारी की सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं बेसिक सारे चीज़ों से, बॉक्स से शुरू करते हैं। हमने पहले एक बार बॉक्स को बेसिक चेक कर लिया था। अगेन मॉडल नंबर आपको बता देते हैं, GT03LSS मॉडल है, ISI अप्रूव्ड है। और उसके साथ में जो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक डिटेल लिखी हुई है, अगर तंदूर या बाटी स्टैंड वगैरह लगाना हो तो उसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है। और उसके साथ में यहाँ पर थोड़ी और बेसिक जो डिटेल है वो सारी की सारी लिखी हुई है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सेम टाइम इस तरफ भी हमारे पास में इस पर थोड़ी और डिटेल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल कि इंडिविजुअल बैन जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। उसके साथ में एर्गोनॉमिक नॉब डिज़ाइन है, मतलब बहुत आसान नॉर्मल डिज़ाइन है इसकी। उसके साथ में यहाँ पे ट्राई पिन बर्नर है और उसके साथ में टफ ब्लैक ऊपर की तरफ ग्लास लगा हुआ है। अब ये तो रही बेसिक सारी डिटेल, अब दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या आया हुआ है। सो दोस्तों, आज हमने क्या हमारी मम्मी की थोड़ी सी हेल्प ली। मैंने कहा मम्मी आप मेरी मदद कर दो ताकि मैं आप ही का प्रोडक्ट जो लेकर आए हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दें। माइक हमारा इधर उधर मिस हो रहा था तो हमने सोचा कि जो GoPro है इसी का माइक हम काम में लेंगे। किसी दिन आप मुझे बोलोगे तो व्लॉग कैसे करते हैं, व्लॉग का मेरा क्या सेटअप है, वील ट्राई कि हम उसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड बताएं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरे पास में 2 बर्नर का भी ऑप्शन था, 3 बर्नर का भी ऑप्शन था और 4 बर्नर का भी ऑप्शन था, पर मैंने 3 इसलिए चुने क्योंकि एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3 बर्नर मोर देन एफिशिएंट थे। दूसरा, कभी भी अगर आप चिमनी लेने जाएं तो मेरी एक और लर्निंग प्रोसेस ये थी कि चिमनी लेने से पहले आप घर में लगने वाली जो चिमनी वाली जो जगह है उसकी प्लीज़ मेजरमेंट ले लें। मैं 4 बर्नर लेकर आ रहा था मगर मुझे कन्फ्यूजन था कि 4 बर्नर क्या प्रॉपरली उस जगह के ऊपर सेट हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो प्लीज़ अटेंशन टू डिटेल, आप हरदम जब भी जाएं तो उसको चेक कर लें। अब सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो ये जो आया है साथ के अंदर, ये तो हमारे पास हो गया कि अगर आप कोई बड़ा ओवन वगैरह लगाते हैं तो उस केस में आप इस वाले चीज़ को काम में ले सकते हैं। अभी इसको लगा के भी दिखा देंगे। उसके साथ में आपके पास कुछ इस प्रकार का बर्नर ऊपर की तरफ लगने वाले कवर्स आए, प्रॉपरली प्रेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं, मैंने पहले भी इस चीज़ नोटिस करी, प्रॉपरली पैक्ड होते हैं।
ऐसा नहीं है कि कहते ना हवा के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो। दूसरा जो बर्नर ऊपर की तरफ आते हैं वो तीन तरीके के आते हैं। एक तो आता है आपके पास में स्टेनलेस स्टील का, दूसरा आपके पास में आता है जिसके अंदर आपको मिल रहा होता है ब्रास का, और तीसरा आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जो सबसे अच्छी क्वालिटी आती है वो प्योर ब्रास के आते हैं, लॉन्ग लाइफ रहते हैं और साथ के अंदर दिखने में भी अच्छे रहते हैं और उसकी ना लाइफ थोड़ी बनी रहती है। अब सबसे पहले आपको मेन प्रोडक्ट जो है वो दिखाते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपके पास में मैनुअल आइए, जिस मैनुअल में बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं और मॉडल नंबर लिखे हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये वाला लेने वाला था। अब इसमें क्या फर्क था, जो ये मॉडल मैं दूसरा देख रहा था उसमें एक स्टेप यहाँ पर थी, एक स्टेप उसके ऊपर की तरफ थी, चार बर्नर लगे हुए थे उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ले रहे हैं तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी लो, मगर बाद में मुझे लगा कि क्वालिटी तो सेकेंडरी है दोस्तों। अगर मैं घर पे लेकर आ गया और बर्नर फिट नहीं हुआ तो घर वाले जूते मारेंगे, तो इस चक्कर के अंदर मैंने ये वाला लेकर आया। अंदर की तरफ आपके पास में डियर कस्टमर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कौन सा मॉडल में क्या सारी चीज़ें आती है वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन का नहीं रखना चाहिए वो यूज़र मैनुअल के अंदर सारी चीज़ें हैं। पर यूज़र मैनुअल तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते, आप बोलोगे तो किसी दिन आपके लिए डिटेल्ड यूज़र मैनुअल के बारे में भी इंफॉर्मेशन लाना शुरू कर देंगे, पर ये हमारे सिर्फ स्टार्टिंग है प्रोडक्ट आई यूज़ के बारे में आप लोगों को बताने की। तो सबसे पहले एक तो ये जो सेटअप है इसको निकाल लेते हैं, और साथ में इसके साथ में जो जो सामान आए हुए हैं उन सबको भी निकाल लेते हैं, ताकि इन चीज़ों को समझाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। और थैंक यू सो मच मम्मी मेरी मदद करने के लिए। तो सबसे पहले इधर से दिखाते हैं, तो जब आप इस तरफ देखते हो तो एक तो आपके पास में यहाँ पर जो गैस की पाइप है उसको लगाने का ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि ये प्रॉपरली 360 घूम सकता है, तो जहाँ पर भी आपकी पाइप होगी आप वहाँ पर लगा सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर बेसिक सारी चीज़ें लिखी हुई है कि क्या जो कैल्विन हीट वगैरह जो भी है उसके हिसाब से क्या है, सीरीज नंबर यहाँ पे लिखी हुई है। एक स्मॉल बर्नर है, एक मीडियम बर्नर है और एक लार्ज बर्नर है, कुल मिला के तीन बर्नर है। क्या उसके अंदर जो हीट वगैरह निकलेगी, क्या एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप साइड से देखते हैं इसको तो साइड से यहाँ पर इसके अंदर स्टील काम में लिया हुआ है। मुझे स्टील अच्छा लगा कि स्टील होना इज़ अ गुड थिंग। एंड सेम टाइम पर जब आप इसे फ्रंट से देखते हो तो जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में तीन यहाँ पर बर्नर है, और प्रॉपरली जैसे कहते हैं ना कि इस तरीके से आपके बर्नर काम कर रहे हैं। अभी इसको जब चालू करेंगे तो उसके बाद में भी दिखा देंगे। सेम टाइम पर नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की पाइप लगी हुई है और उसके साथ में तीनों बर्नर्स का जो सेटअप है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास में रबराइज पॉइंट है जिसकी वजह से एक तो ये प्रॉपरली रहेगा और दूसरा बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इधर उधर मूव नहीं करेगा। सेम टाइम यहाँ पर हमारी प्रेस्टीज रॉयल की ब्रांडिंग है, यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर वारंटी ऑन ग्लास लिखा हुआ है, ISI सर्टिफाइड कुकिंग वगैरह सारी चीज़ें। हम इसको उतार देते हैं, और उसके साथ में जब आप इस तरफ देखते हो, सबसे पहले पॉलीथीन उठाएगा, और सेम टाइम पे यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में ISI की यहाँ पर पार्ट नंबर और ब्रांडिंग बेसिक सारी चीज़ें है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन बातों का आपको इस पर ख्याल रखना चाहिए। अब मेरा ये मानना है कि ग्लास जो है ग्लास काम में लेना चाहिए, ग्लास साफ करना बहुत आसान होता है, बट सेम टाइम पर ग्लास को थोड़ा संभाल के रखो। ऑल्दो ये एक ही जगह पर रहने वाली चीज़ है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि कोई भी गर्म बर्तन होता है उसको इसके ऊपर रखते हैं और जल जाता है, या फिर स्टूडेंट लाइफ में जो लड़के होते हैं वैसी गलतियाँ कर रहे होते हैं। अब वो तो छोड़ो, मुझे कमेंट करके बताना कि स्टूडेंट क्या क्या गलतियाँ करते थे खाना बनाते हुए, ताकि हम सारे व्यूअर्स को पता चले। अब आपके पास एक तो कुछ इस प्रकार के कवर्स आते हैं साथ में जिससे इसका लुक थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास में तीन अलग अलग साइज के यहाँ पे कवर है जिनको हम चेक कर लेते हैं कौन सा कहाँ लगेगा। सो ये जो कवर है इसकी वजह से ना थोड़ी सी खूबसूरती और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है एक तो उसके ऊपर आ गया, अब बड़े के बाद में जो छोटा है ये इस पर आ गया एंड ये इस पर आ गया। तो प्रॉपर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में कवर्स है लगे हुए जिसकी वजह से खूबसूरती थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। अब जब आप ऊपर की तरफ बर्नर्स को देखोगे तो आपके पास में अच्छे बड़े ब्रास के बर्नर आपको देखने को मिलते हैं, गुड क्वालिटी है। अब ये जो बर्नर है इनको हम लगा देते हैं। सो जैसे आप ऊपर लगाते हैं प्रॉपरली स्नग फिट प्रॉपर तरीके से हो रहे होते हैं,
इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस प्रकार के दिखने वाले ऊपर के जो कवर हैं वो हैं, जिसके ऊपर आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो वो प्रॉपरली रख सकते हैं। अब ये जो है ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि आप लोगों को एक बेसिक एक अंदाज़ा हो जाए। अब ये जो ऊपर वाले कवर हैं ये तीनों के सेम है, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि कौन सा कहाँ लगता है। और उसके साथ में ये वाला जो आया है आपके पास में कवर, इसको आप अगर रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये जो है ये वाला इसको हटा के अगर यहाँ पर ऐसे रख देते हो तो अब इसके ऊपर आप आराम से कोई भी जिसे कहते हैं ना कुकिंग करने के लिए जो आपके यूटेंसिल्स हैं उनको आप प्रॉपरली रख सकते हो। सेम टाइम पर आपके पास में एक ये वाला मॉड्यूल और आता है। अब ये वाला जो मॉड्यूल है इसको आप और काम में ले सकते हो, मैं आपको इसकी जगह बताता हूँ। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है कुछ इस प्रकार का एक और पीस, जिसको आप अगर प्रॉपरली यहाँ पर रख देते हैं तो उसकी वजह से कोई भी अगर छोटा बर्तन आप रखते हैं तो वो प्रॉपरली इसके ऊपर आ जाता है। और साथ में मिला आपको एक पेचकस। सो पेचकस जैसा ये जो डिवाइस है इसका यूज़ ये है कि मान लो अगर आप कभी भी दूध वगैरह कोई चीज़ ऐसी है जो कि इस बर्नर के ऊपर आप लगा देते हो तो अगर आपको इसको क्लीन करना है तो आप प्रॉपरली निकालो और ये जो होल्स है इसके अंदर ऐसे कर करके इसको क्लीन कर लोगे तो आपके जो ये ऊपर वाला जो बर्नर है इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये तो रहा सारी चीज़ें, साथ के अंदर ये हमारा हमने बता ही दिया कि अगर आप ओवन वगैरह रखते हैं तो उसके लिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का स्टैंड आता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, पूरे जो पीस है इसकी, एंड कॉस्ट एफिशिएंसी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब होता क्या है कि मैंने जो ये बर्नर है ये बिना जिसे कहते हैं लाइटर वाले वो लिए, क्योंकि हमने जब किसी और यूट्यूबर भाई का वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने हमें एक बेसिक सा ज्ञान दिया जो कि मुझे लगता है कि मेरी मम्मी से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने भी मुझे सेम का सेम बोला था। उन्होंने कहा कि होता क्या है कि जब आप बर्नर लेते हो तो होता क्या है कुछ टाइम बाद उसका लाइटर ख़राब हो जाता है, जिसके बाद में आपको मैनुअल एक लाइटर रखना पड़ता है। सो बेटा एक काम करना, तू तो मैनुअली लेकर आ जाना, लाइटर अपने पास पहले बहुत सारे पड़े हैं। इसीलिए मैंने विदाउट लाइटर वाला ख़रीदा। मगर अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आप लग्जरी चाहते हो तो आप इसके ऊपर वाला वेरिएंट ले सकते हो जिसके अंदर लाइटर भी आता है। अब आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आपको बेसिक सारी चीज़ें कवर हो गई हो। अगेन मैं प्रेस्टीज काम में ले रहा हूँ, मेरे पास दो डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम कुकर पहले से प्रेस्टीज की है और टिल नाउ उन सारे डिवाइसेस में मुझे कुछ ख़राब होने जैसा नहीं लगा और बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने काम में लिया प्रेस्टीज। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगले ऐसे व्लॉग्स में और हम किन किन बातों का आपके सामने बताएं। तो जैसे जैसे आप हमें बताते जाओगे वैसे वैसे हम हमारे इन प्रोडक्ट आई यूज़ वाले व्लॉग्स को इम्प्रूव करते जाएंगे। सेम टाइम पर ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि ऐसा एक नया लेने वाले हैं अपनी मम्मी के लिए कोई भी, जिसे गैस स्टोव या कुछ भी ऐसा, और सेम टाइम वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप हमें प्लीज़ उस प्रोडक्ट को भेज सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर रिव्यू करें। चलिए अब वीडियो का एंड करते हैं। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो के साथ में। बाय बाय।